इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 27 अक्टूबर के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। 1952 में हिंदी सिनेमा की प्रमुख गायिका अनुराधा पौडवाल का जन्म हुआ था। पौडवाल ने करियर की शुरुआत फिल्म अभिमान से की थी, जिसमें उन्होंने जया बहादुरी के लिए एक श्लोक गाया था। 90 के दशक में अनुराधा पौडवाल अपने करियर के शिखर पर थीं। सन 2017 में अनुराधा पौडवाल को पद्मश्री पुरस्कार मिला। आज भी पौडवाल अपने लोकप्रिय भजनों के लिए जानी जाती हैं। देश दुनिया के इतिहास में 27 अक्टूबर की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलावार ब्यौरा इस प्रकार है। आज ही के दिन 1686 में पोलैंड और तुर्की ने वासना की संधि पर हस्ताक्षर किए। 1795 में आज ही के दिन अमेरिका और स्पेन ऐतिहासिक सेंट लेरोजो की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए थे। आज ही के दिन 1806 में फ्रांस की सेना बर्लिन में घुसी थी। 1810 में आज ही के दिन अमेरिका ने स्पेन के पूर्व उपनिवेश पश्चिमी फ्लोरिडा को अपने अधिकार में लिया था। आज ही के दिन 1811 में सिलाई मशीन के आविष्कारक आइजैक मैरेट का जन्म हुआ था। 1904 में आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ दास उर्फ जितेन दास का कलकत्ता में जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1905 में नॉर्वे ने स्वीडन से अपना गठजोड़ समाप्त कर लिया था। इसके बाद नॉर्वे एक स्वतंत्र देश बन गया। 1910 में आज ही के दिन रूस और चीन के साथ कई वर्षों के युद्ध के बाद जापान को इन दोनों देशों पर विजय मिली थी। आज ही के दिन 1920 में लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय जिनेवा स्थानांकित किया गया था। 1920 में आज ही के दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति K.R. नारायण का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1952 में फिल्म जगत के साथ साथ भजनों से खास पहचान बनाने वाली अनुराधा पौडवाल का जन्म हुआ था। 1946 में आज ही के दिन फ्रांस में जनमत संग्राम के बाद इन देशों को चौथे राष्ट्रपति काल के संविधान को जनता की स्वीकृति मिली थी। इस प्रकार फ्रांस में चौथा लोकतंत्र आरंभ हुआ। आज ही के दिन 1947 में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में जम्मू कश्मीर के विलय को स्वीकार किया था। 1958 में आज ही के दिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति सकदर मिर्जा को आपदस्त कर जनरल यूबो खा पाकिस्तान के शासक बने थे। आज ही के दिन 1966 में भारत के शतरंज खिलाड़ी दूसरे ग्रेड मास्टर दिव्यंद बारुआ का जन्म हुआ था। 1968 में आज ही के दिन मेक्सिको सिटी में 19वें ओलंपिक खेलों का समापन हुआ था। 1974 में आज ही के दिन महान भारतीय गणितज्ञ रामानुजम का निधन हुआ था। आज ही के दिन 1977 में श्रीलंका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा का जन्म हुआ था। उन्होंने 134 टेस्ट मैचों में 12,400 और 404 वनडे में 14,234 रन बनाए। 1978 में आज ही के दिन मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात को इजराइल के प्रधानमंत्री मोनाचेंग को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। आज ही के दिन 1982 में चीन ने अपनी जनसंख्या 1 अरब से अधिक होने की घोषणा की थी। 1991 में आज ही के दिन तुर्कमेनिस्तान की उच्च परिषद ने सोवियत संघ से खुद को स्वतंत्र घोषित किया था। आज ही के दिन 1995 में यूक्रेन के चिन्नोबित परमाणु संयंत्र को सुरक्षा संबंधित खामियों के कारण पूर्णतः बंद कर दिया गया था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।